नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीपी न्यूज। बिजनौर प्रशासन का बड़ा फैसला, जिला कारागार से करीब 20 कैदी और 160 बंदियों किया जाएगा रिहा। आइए बताते हैं क्या है पूरा मामला। कोरोना महामारी के लगातार बढ़ रहे खतरे को देखते हुए शासन प्रशासन ने जेलों में बंदियों का बोझ कम करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत 60 दिन की पैरोल पर कैदियों को छोड़ा जाएगा। आपको बता दें कि लगभग इतने ही दिनों की अंतरिम जमानत बंदियों को दी जानी है। वहीं पिछले साल लॉकडाउन में भी बंदियों और कैदियों को छोड़ा गया था। उस वक्त बिजनौर जिला कारागार से 175 बंदी अंतरिम जमानत पर बाहर आए थे, जबकि 16 कैदियों को पैरोल मिली थी। इन्हें 28 दिन के लिए छोड़ा गया था, लेकिन वहीं बाद में इस अवधि को बढ़ाते बढ़ाते 5 महीने कर दिया गया था। फिर एक बार से वही व्यवस्था की जा रही है। जिला कारागार प्रशासन ने करीब 160 बंदियों की लिस्ट तैयार की है, जिन्हें अंतरिम जमानत के लिए जेल में लगने वाली कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा। इसके अलावा 20 कैदियों की लिस्ट तैयार कर शासन को भेजी जाएगी, जिसके बाद इन्हें पैरोल पर रिहा कर दिया जाएगा। जेल में लगने वाली कोर्ट 10 मई से 20 मई तक जज और मजिस्ट्रेट जेल में दौरा कर अंतरिम जमानत की प्रक्रिया को पूरा करेंगे, जो कि 7 साल तक की सजा वाले केस में जेल में बंद हैं। कैदियों की सूची शासन को भेजी जाएगी, जबकि बंदियों को अंतरिम जमानत पर छोड़ा जाएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें व शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।